हेलो दोस्तों दोस्तों हेलोवीन का त्यौहार खासकर पश्चिमी देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। वैसे तो लोग त्यौहारों में नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन इस त्यौहार में लोग ऐसे कपड़े और मेकअप करते हैं जिससे वो डरावने लगे। दोस्तों हेलोवीन अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में मनाया जाता है, लेकिन इस त्यौहार की शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई थी। यह दिन सेल्टिक कैलेंडर का आखिरी दिन होता है, इसलिए सेल्टिक लोगों के बीच यह नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों हेलोवीन का त्यौहार हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेलोवीन को हेलोज ईव, ऑल सेंट्स ईव, ऑल हेलो इवनिंग, ऑल हेलोवीन भी कहा जाता है। दोस्तों ईसाई धर्म के लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आज के समय में इस त्यौहार को दुनिया भर में कई जगह गैर ईसाई लोग भी धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों कथाओं के अनुसार आयरिश लोग हेलोवीन पर जैक और लेटर्न बनाते हैं। दोस्तों लोग कद्दू को खोखला करके उसमें आँख, नाक और मुँह बनाते हैं और अंदर मोमबत्ती रखते हैं और उसे घर के बाहर या फिर पेड़ों पर लटका दिया जाता है और आखिर में उसे दफना दिया जाता है। दोस्तों बच्चे इस दिन पड़ोसी और रिश्तेदारों से चॉकलेट्स लेते हैं। कई देशों में इसकी अलग अलग प्रथाएं भी है। दोस्तों हेलोवीन पर लोग डरावनी वेशभूषा पहनते हैं और जमकर पार्टी भी करते हैं। दोस्तों आज के समय में हेलोवीन के त्यौहार को लोग फन के रूप में मनाते हैं। दोस्तों पहले के समय में इस दिन मरे हुए लोगों की मूर्तियों की पूजा की जाती थी, किंतु आज के समय में लोग बहुत से खेल खेलते हैं और अन्य गतिविधियाँ कर इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों हेलोवीन के त्यौहार पर बहुत से लोग एप्पल बॉबिंग गेम खेलते हैं। इस गेम में पानी के टब में एप्पल रखा जाता है, जो दांत से सबसे पहले एप्पल बाहर फेंकता है वह विनर होता है। दोस्तों और भी तरह तरह की गेम्स को खेलकर लोग हेलोवीन पर इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।